यूपी पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने का इंतजार अब खत्म हो चुका है। बरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सभी ब्लॉकों में मतगणना एक घंटा देरी से रविवार सुबह 9 बजे शुरू हो गई, जबकि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होनी थी। मतगणना केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की काफी भीड़ जुटी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान SSP रोहित सिंह सजवान ने सुभाष नगर के मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मियों को शांतिपूर्ण मतगणना और COVID-19 के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए। 15 ब्लॉकों पे बरेली में मतगणना चल रही है, जिसमें 780 मेजें लगी हुई हैं और हर एक मेज पर एक पाली में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही साथ जो मतगणना केंद्र है उस पर बाहर भी पुलिसकर्मी लगे हैं, तो कुल मिलाकर जो ड्यूटियां जो 24 घंटे की हैं उसमें 2500 पुलिसकर्मी इसमें मतगणना में लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और इसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और शाम के 6 बजे फिर से शिफ्ट चेंज होगी। और ये मतगणना हमारे हिसाब से लगभग 40 से 50 घंटे चलने की उम्मीद है, तो 2-3 दिन का इसमें समय लगेगा पूरी मतगणना में। तो उसके लिए हमारी सारी तैयारियाँ और जो पुलिसकर्मी उनको भी कोविड प्रोटोकॉल का नियम का पालन करने के लिए बताया गया, सभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं और जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सामाजिक दूरी का पालन करें, जिससे कि जो कोरोना का जो प्रसार है उसको भी रोकने में मदद मिले। सर, सोशल मीडिया उड़ रही है, बहुत जगह देखा जा रहा है, यहाँ भी देखा जा रहा है। इसमें जो मतगणना जहाँ पे हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रत्याशी काफ़ी अधिक संख्या में और प्रत्याशी में जो नियम है उसके हिसाब से एजेंट या जो प्रत्याशी है उसको मौजूद, उसमें से कोई एक वहाँ मौजूद रहेगा और उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ भी है। लेकिन लोगों से बातचीत करके उनसे मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है।